नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है। इस हथेली को अगर सरल ढंग से देखें तो दो ग्रह, दो प्लेनेट इस भाव में बैठे हैं कि व्यक्ति का जीवन जो है, अगर ये इस अनबैलेंस भाव में बैठते होते हैं तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल देता है जीवन में, जीवन को जो है निराश अवस्था में ले लेता है। ऐसी स्थिति में अपना भी व्यक्ति का अपना नहीं होता है। खासकर जो है कहते हैं कि माँ की ममता, वो ममता भी जो है विरोधी हो जाती है। इस तरह की जो है यहाँ पे सिचुएशन दिखती है अगर जो है ये ग्रह इस प्रकार से बैठे हुए हों। माँ भी माँ के साथ विचार विमर्श या हम कहें वैचारिक मतभेदता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और माँ का सुख भी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। दूसरी बात है, दूसरा ग्रह इस प्रकार से है कि जो हमारा पारिवारिक सुख है, जो वास्तव में मिलना चाहिए, वो भी हमसे कहीं दूर चले जाता है। इनको ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये ठीक नहीं होते, ये ठीक होते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक और ज्योतिषीय क्रिया के द्वारा इनको ठीक किया जाता है। पहले इनको समझते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे ये मामला दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के हाथ में ऐसी चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में ये 70% मामलों में उथल पुथल देता है। पूरी हथेली को आप ध्यान से देखें, अगर आप हथेली नहीं भी देखना चाहते जानते हैं तो भी आप समझ जाएंगे। पूरी हथेली में ये वाला भाग आपको कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, माने इन सब में से ये वाला भाग और ये वाला भाग आपको बहुत अलग दिखाई दे रहा है। अगर आप कहेंगे तो ये वाला भाग बहुत ज़्यादा उठा हुआ है और इस तरफ झुक रहा है, इसकी तरफ झुक रहा है ना, बहुत ज़्यादा उठा हुआ है अन्य भागों से, ये चंद्रमा है। देखिएगा, जो ज्योतिष है ना, उसमें और हमारे जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा के बारे में ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं वो कहती है ना, चंद्रमा मनसो जायतः, मन चंद्रमा क्या है, हमारा मन का अधिपति है और मन ही व्यक्ति का सब कुछ होता है। और जो मानव है ना, उसका निर्माण ही मन से हुआ है। जो मन का अवयव है वह मानव है और मन का ही पार्ट जो है मानव होता है। इसीलिए मानव के जीवन में इस भाग का, ये चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। और दोस्तों, चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में 70% जल है और इस पृथ्वी पर भी 2/3 पानी है। चंद्रमा इन सब को प्रभावित करता है, यानी आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा 70% आपको जीवन को बदलने की ताकत भी रखता है। और जब ये 70% बदल देता है तो रहा ही क्या, और उसके साथ बाकी परसेंट ये ले जाता है, तो व्यक्ति की जो जीवन है वो कितना, किस स्थिति में होगा, आप स्वयं समझ सकते हैं। देखिएगा, इसमें अगर इस तरह की रेखाएं हो और ये अनबैलेंस रूप में जो है उठा हुआ हो, अनबैलेंस रूप में हो, तो हमेशा आपका जो मन है वो गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से आप ग्रसित रहेंगे। अगर चंद्रमा इस प्रकार से है, 100% जो है ये मन को बहुत ज़्यादा गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा देता है, मन कभी स्थिर नहीं रहता है, धैर्य नहीं रहता है। ऐसे में जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और बात बात पर आंसू, आँख से जो है आंसू बह जाते हैं, ये सिचुएशन ये देता है। या इमोशनली व्यक्ति बहुत परेशान हो जाते हैं और चंद्रमा इस तरह से अनबैलेंस हो, हथेली का ये भाग, तो ये मन को अच्छा नहीं रहता है, मन अच्छा नहीं रहता है। मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी कहीं नहीं सही नहीं रहेगा।
चंद्रमा अगर इस तरह से निगेटिव हो तो व्यक्ति को निश्चित तौर पे जो है माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है, या तो व्यक्ति जो है माँ से दूर रहता है, या वैचारिक मतभेदता ऐसी आ जाती है कि विचार ही नहीं मिल पाते हैं और माँ कभी आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगी। रिश्तों में जो खटास है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और बहुत ज़्यादा जो है वो एक सीमा भी तय कर लेगी बढ़ाने की। चंद्रमा इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, व्यक्ति को किसी भी रूप में जो है माँ का सुख नहीं मिल पाता है, माँ का जो आशीर्वाद है, माँ की जो ममता है, उस सुख से ये वंचित रखता है। चंद्रमा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ हैं, देखो जब मन की जीत तो जीत है और मन की हार तो हार होती है, ठीक है ना। तो चंद्रमा बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव डालता है, हार्मोनल सिस्टम पे प्रभाव डालता है, कॉन्फिडेंस लेवल पे प्रभाव डालता है, आपकी जो है साथ देने के लोगों का जो वो है तो उस पे नर्वस बना लेता है। तो इसीलिए जो है चंद्रमा का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, चंद्रमा का जो है बड़ा हमें जो है उपाय करने चाहिए। अगर चंद्रमा थोड़ा भी गड़बड़ होने बैठ जाए तो इसके कुछ लक्षण हैं, या तो आप इमोशनली परेशान होने बैठ जाएंगे, माँ का साथ सुख थोड़ा कम मिलने बैठ जाएगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, टेंशन रहने बैठ जाएगी, और कहीं ना कहीं मन अच्छा नहीं रहेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है गड़बड़ा जाएगा, और कहीं ना कहीं जो है मन नहीं लगेगा काम में, ठीक है ना। मन खराब रहता तो सारी चीज़ें अपने आप खराब हो जाती हैं, रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ जाता है। इसके लिए मैं आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा। अभी आपको क्या है, जब तक आपका चंद्रमा बहुत सुंदर ढंग का अनुकूल न हो जाए तब तक आप जहाँ हैं वहीं रहें और पहले चंद्रमा को ठीक करने की कोशिश करें, तब जाके माँ के साथ जो वैचारिक मतभेदता है निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा जो है अनबैलेंस है, जो एक सीमा होती है उसके बाहर चला गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है माँ की नज़रों में जो है बेटा उस लायक नहीं रहता है, ठीक है ना। तो माँ का सुख प्राप्त करने के लिए, जीवन में रिश्तों के सुख प्राप्त करने के लिए चंद्रमा की भूमिका होती है। तो चंद्रमा का बहुत सुंदर और पावरफुल उपाय मैं दूंगा आपको, वो आपको करना है, और जब आप इसको करेंगे तो धीरे धीरे ये अनुकूल होती जाएगा, अपने आप आपके रिश्ते शानदार ढंग से सुधरते जाएंगे, और जहाँ मन अच्छा रहेगा, रिश्ते अच्छे रहेंगे, तो जीवन एक अनुकूलता से चलता जाएगा। दूसरी बात जो हथेली में दिखाई दे रही है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये भी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस अवस्था में है, पूरे पे एक जकड़नुमा जाल बना हुआ है, और ये हथेली का शुक्र का पर्वत है, प्रेम सुख और ऐश्वर्य के बारे में ये बताता है, ठीक है ना। ये जो है व्यक्ति के जीवन में आकर्षण देता है, सौंदर्य देता है, वासना देता है, और प्रेम के महत्व को भी दिखाता है। देखिएगा शुक्र, अगर हम शुक्र को पूरे ढंग से देखते हैं तो ये सुख का कारक है। इससे हम ये भी देखते हैं कि फैशन में जो है व्यक्ति का कितना रुझान है, नए कपड़ों में, नए तरीके की चीज़ें जो आजकल चलन में हैं। साथ साथ ये हमारे परिवार का भी कारक होता है। हमारे समुद्र शास्त्र में इस स्थान को भद्री स्थान भी कहा जाता है, मतलब भाई बहनों का स्थान भी यही होता है। इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको अपने भाई बहनों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको परिवार का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कोई भी सुख हो, मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, वो भी इसी से मिलता है, शुक्र से। शुक्र के बारे में अगर थोड़ा सा जान लें और तब चर्चा करें हैं कि क्या फल दे रहा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र इसी रूप में है। देखिएगा ये शुक्र जो है इनको ज्योतिष में आचार्य कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं
उनके अनुसार ये शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो निश्चित तौर पे इनके अंदर जो है एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर से इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है। शुक्र जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, आपका जो ये पार्ट है ना, ये आपके जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए इसे ज्योतिष में गुरु कहते हैं। दूसरा, आपको जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा सुख हो बुरा सुख हो, जैसा भी हो ना, इसके पीछे शुक्र होता है, चाहे वो शारीरिक सुख हो चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के जीवन में सुख मिलना बहुत कठिन हो जाता है। और तीसरी बात, वैवाहिक सुख, शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। और देखिएगा यहाँ पे शुक्र पे बहुत सारी जो है रेखाएं हैं, और जब शुक्र पे इस तरह की रेखाएं आती हैं तो व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता है, और ख़ासकर दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें बहुत ज़्यादा जो है परेशानियां हो जाती हैं। अगर आपके बीच किसी तरह का मनमुटाव चल रहा हो दाम्पत्य जीवन में, और आपका चंद्रमा भी इस तरह से हो, तो आपका सपोर्ट आपके घर वाले भी नहीं करेंगे। आपके आप कितना भी सही हैं, आप कितना भी जो है शुद्ध हृदय के हैं, आपकी कोई गलती भी नहीं है, तो भी दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा तकरार आ जाती है, और दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसे वंचित रखता है ये। साथ में चंद्रमा हो और ये ऐसा हो तो परिवार में किसी का भी सपोर्ट, किसी का भी साथ ऐसे व्यक्ति को बहुत मुश्किल होता है कि मिले, और हर व्यक्ति जो है इनको, इनकी छवि इस तरह से हो जाती है कि इनको दबाने की चेष्टा करता है, जबकि इन लोगों के अंदर जो है बुद्धिबल बहुत अच्छा होता है, इन लोगों के जो दिमाग होता है बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, और अपने जीवन में बाहर इन लोगों को जो है बहुत सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, अपनी चीज़ में ये जो है नॉलेजबल व्यक्ति भी होते हैं, स्वयं के बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो होता है, लेकिन तो भी घर परिवार की ओर से जो है साथ मिलना कठिन हो जाता है। अब क्या करें, देखिएगा इसके लिए क्या है कि अभी जो है घर से अगर आप दूर नौकरी कर रहे हैं, वैसे भी आप जो है इंडिया में नहीं हैं, बाहर हैं, तो अभी जब तक आपका शुक्र, आपका चंद्रमा विशेषतर अपने अनुकूल स्थिति में ना आए, तब तक आपको उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। इससे जो है कहीं ना कहीं जो मतभेदता है उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है ना। दूसरी बात, शुक्र और चंद्रमा को ठीक करना है, साथ साथ में जो है परिवार बढ़ाने की भी सोचना है। आप समझ गए होंगे, बच्चे वगैरह के बारे में सोचें, उससे ज़्यादा फायदा आपका रहेगा। वैसे शुक्र जो है कुछ हार्मोनल सिस्टम में गड़बड़ी भी कर लेता है, तो आपको जो है अगर उस तरह की कोई गड़बड़ी है तो मेडिकल सलाह भी आपको लेनी चाहिए, और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, और निश्चित तौर पे फिर धीरे धीरे आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपके जो है माँ के साथ जो भी वैचारिक मतभेद था वो एक स्तर पे आके ख़त्म हो जाएंगे, और जीवन जो है एक नॉर्मल तरीके से चलेगा। भले ही बीच में संघर्ष आए, कुछ आए, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से, मन की दृष्टि से जो हमेशा चिंता बनी रहती है, कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, वो ख़त्म हो जाएगी, और व्यक्ति अपने तरीके से जो है विस्तार करने बैठ जाएगा। ये आपकी हथेली में यहाँ पर बता रहा है। देखिएगा, मैं यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर लूँ, ये शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, और भगवान शंकर है ने जो, भगवान त्रिपुरारी है ने जो, उनके ये शिष्य हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें। दूसरी बात, ये चंद्रमा है, ये मन के कारक है, इस स्थान को धर्म क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यात्राएं भी इसी से देखी जाती हैं, तो यात्रा का क्षेत्र भी यही है, मन का पार्ट भी यही है, और हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता भी यही रखता है। और ये शिव के गण हैं, आपने भगवान शिव की तस्वीर देखी होगी, तो सिर में चंद्रमा से सुशोभित देखा होगा उनको, तो ये उनके गण हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है योगिक क्रियाएँ, उनको आदिगुरु कहा जाता है, भगवान शंकर को योग गुरु कहा जाता है,
ठीक है ना। योग की जो उत्पत्ति हुई है, ध्यान की जो उत्पत्ति हुई है इन क्रियाओं की, वो भगवान शंकर द्वारा ही हुई है। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत बड़ी पूजा पाठ या हवन इत्यादि या मंत्र जाप करने की आवश्यकता कम होती है। इनको प्रैक्टिकल रूप से जो है ध्यान क्रिया, योग क्रिया, हाँ पूजा का भी इसमें विधान है। ये तीनों चीजें जब एक ही साथ चलेंगी तभी जो है ये दोनों ग्रह अपने अनुकूल स्थिति में आएंगे और जीवन में बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे जो अब तक नहीं मिले हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मणिबंध देखें तो मणिबंध यहाँ पे अच्छा नहीं है, मणिबंध यहाँ पे जो है दूषित अवस्था में है। और जब मणिबंध इस तरह से दूषित अवस्था में रहता है ना, तो ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की, दुविधा की, कन्फ्यूजन की स्थिति और कोई ना कोई चिंता बनाए रखता है, ये इसका परिणाम होता है। और इसको केवल हम प्राणायाम द्वारा और ध्यान क्रिया द्वारा ही ठीक कर सकते हैं, इसके लिए अलग से कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन उसको अनुशासनात्मक ढंग से, उसको जो है बड़े जो है श्रद्धा भाव से और प्यार से करना चाहिए, तभी ये फलित होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है पूजा स्थान में बैठे, इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है मंदिर के स्थान पर बैठे, ये किसी भी साफ सुथरे स्थान में और बिना माला के भी ये ध्यान क्रिया और योगिक क्रियाएँ होती हैं, इनको एक ही साथ करना चाहिए। हाँ इसके लिए ज्योतिषीय उपाय भी ज़रूरी है। ये तीनों उपाय जब एक साथ कर लेंगे और बड़ा सरल होता है, कोई कठिनता इसमें नहीं होती है। देव ये समय तक कर लेंगे तो धीरे धीरे जो है ये अपनी तरफ आएंगे। और कुछ चीज़ें हमें अपनी तरफ से ऐसी करनी चाहिए कि जो हमारे परिवार में पारंपरिक ढंग से चली आ रही हो, हमें अपने परिवार की परंपरा नहीं बदलनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा ग्रहों में अनबैलेंसता आती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना हमें बहुत अति आवश्यक है। अब जो है हम पूरा हथेली का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे इन दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था जो जीवन को नरक के समान बनाई हुई है, तो इसका मैंने विस्तार से जो है आपको विवरण बता दिया है ऑडियो के माध्यम से, और लिख करके आपको पूर्ण रूप से जो है मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर परिणाम आपको बहुत जल्दी जो है हासिल होंगे, ये निश्चित है। देखिएगा यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ, ये इंडेक्स फिंगर है, आचार्य बृहस्पति गुरु पे बनने वाली उंगली है। और जब ये शनि की तरफ कर्म के देवता और भाग्य स्थान की तरफ झुकती है ना, तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आप के अंदर ये धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में दे रहे हैं, ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव है, बहुत ज़्यादा विश्वास आपका है, और परोपकार की भावना, धार्मिक भावनाएं, दयालुता आपके अंदर बहुत अच्छी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मिडिल फिंगर की ओर चले, मिडिल फिंगर हल्की रूप से झुक रही है ये रिंग फिंगर की तरफ, और जब ये हल्की रूप से झुकती है तो शनि के थोड़ा नेगेटिव गुण आ जाते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की व्यक्ति को प्राप्ति होती है, इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपकी रिंग फिंगर है सूर्य की उंगली, ये पूरी तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। ये व्यक्ति के अंदर नेम फेम और यश पाने की जो इच्छा है उसको प्रबल करती है, और यही चीज़ ये आपके अंदर करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है आपकी दोनों फिंगर बृहस्पति की और सूर्य की बराबर अवस्था में है, जहाँ लीडरशिप के गुण आपके अंदर अच्छे खासे रूप में है, वहीं एनालिटिक स्वभाव भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली की, ये भी पूरी तरह से झुक रही है और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ झुक रही है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर ये धन कमाने की ललक को पैदा करती है, इस रूप में ये दिखाई दे रही है। अब हम अगर अंगूठे पे चले, अंगूठा एकदम
अपने हितों की रक्षा करने में माहिरता हासिल होगी, इस ओर ले जा रहा है। यहाँ पे अगर आपकी ये उंगली रेखा देखी जाए, इसको कहते हैं हृदय की लकीर। ये आचार्य बृहस्पति से सीधा मिलन कर रहा है पूर्ण रूप से, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आपका स्वभाव ऐसा है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए या अपने परिवार के लिए के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं और प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। हृदय की गहराई से जिसको भी प्रेम करते हैं, अपने हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, और जो आपका थोड़ा भी साथ निभाता है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। स्वाभिमानी जरूर है, स्वाभिमान की भावनाएं जरूर हैं, लेकिन पूर्णतः विश्वासी भी हैं। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सूर्य का भाग है वो अस्त अवस्था में है, जिससे जो है आप कितना भी यश किसी के साथ अच्छा करें, आप यश की प्राप्ति के लिए काम करेंगे, लेकिन आपको अपयश की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि भी यहाँ पे ठीक नहीं है। ठीक है ना? तो आपको मान पद प्रतिष्ठा किसी ऊंचे पद की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब आपका शुक्र, आपका चंद्रमा, आपका शनि और आपका सूर्य अपनी यथावत स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन जब आप अच्छी जो है क्रियाओं को ध्यानपूर्वक करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से करेंगे, बहुत सरल भी हैं, लेकिन एक अनुशासनात्मक तरीके से करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है चाहे आप व्यापार करें, उसके बाद नौकरी करें और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। और अभी कम से कम 3.5 वर्षों तक स्थान परिवर्तन ना करें। आप विदेश में हैं तो वहीं रहें, वहीं जो है अपना काम करें, और ये नहीं कि इंडिया आ गए कि यार ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 3.5 वर्षों तक जो है जहाँ है वहीं अपने कार्य निरंतर रूप से करते रहे। सारा कुछ आपका भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा, ये निश्चित है। यहाँ पे आपकी ये रेखा अगर देखी जाए तो बहुत सुंदर है, और ऊर्ध्व चंद्रमा पे यहाँ पे संपन्न हो रही है। ये मस्तिष्क की रेखा होती है, ये परिचायक होती है हमारी बुद्धि की, हमारी विवेक की। ठीक है ना? और मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाए तो व्यक्ति की जो बुद्धिमता है वो बहुत अच्छा होता है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, और ऐसा व्यक्ति जो है विवेकवान होता है। आप अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी योजनाएं बनती रहती है, और भविष्य में मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य करने वाला वर्ग आपका होगा, इसकी ओर जो है संकेत ये रेखा कर रही है। जीवन की रेखा अगर देखी जाए तो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और केतु पे जा रही है। देखिएगा, जीवन की रेखा अगर इस तरह से हो, व्यक्ति निरंतर उन्नति तो करता है, लेकिन उतार चढ़ाव जीवन काल में बने रहते हैं और कभी कभी अस्थिरता रहती है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से बाहर ही उन्नति कर पाता है, अपने जन्म स्थान या अपने देश में थोड़ा कम उन्नति कर पाता है, उतनी उन्नति व्यक्ति की नहीं होती है, उतना सुख संपन्नता व्यक्ति को उतनी खुशी नहीं मिल पाती है, अगर इस तरह की जीवन की लकीर हो तो। हाँ, अगर ये वाली जीवन की लकीर पूरी तरह से सुदृढ़ होकर इस तरह से मिल जाएगी तो यह जल्दी मिलने वाली है। एक पावरफुल रेखा को कम से कम 3.5 वर्ष का समय लगता है, तो 3.5 वर्षों के बाद निश्चित रूप से जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा, और जो आपकी इच्छाएं हैं काफ़ी हद तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है, चाहे रिश्तों का मामला हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे समाज का मामला हो, व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो है 90% तक कर लेता है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, कुछ रेखाएं जो है इस तरह से सीधा निकल कर इधर को जा रही है। अभी ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन व्यापार को नहीं दे रही है। हाँ, जब ये रेखाएं अच्छी हो जाएंगी तो ये व्यापार में अपार सफलता की भी प्राप्ति करवाएंगी, इस चीज़ की और ये इशारा कर रही है।
यहाँ पे देखो तो एक रेखा यूँ जाके इस तरह से बन रहा है। आपको पैतृक संपत्ति का भी जो है जीवन में लाभ मिलेगा, इसको ये ले जा रहा है। एक रेखा इधर आ रही है और इस तरह से जो है यहाँ पे सीधा सीधा मिल रही, देखिएगा, और ये रेखा भी धीरे 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 यहाँ चली जाएगी। ये बहुत अच्छे परिणाम आपको देगी, लेकिन भावनाओं के वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय मत लें। करियर और धन के मामले में विशेषकर जो है बड़े सोच समझकर निर्णय लेंगे तब ठीक होगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा इस चीज़ की। और ये इशारा कर रही है, और अभी करियर और धन के मामले में कुछ समय तक लगभग लगभग 3.5 वर्षों तक स्थिति यथावत रह सकती है, लेकिन उसके बाद जो है स्थिति में परिवर्तन होगा, ये आपकी हथेली बता रही है। बहुत सुंदर हथेली है, कुछ ग्रहों को छोड़ के ये मंगल का क्षेत्र है। देखिएगा, मंगल थोड़ा दुविधा दे रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, थोड़ा मानसिक परेशानी भी दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत सुंदर बनेगा, आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करनी होगी, थोड़ा झेप के कम रहना है। विशेषकर जो है अपने रिश्तों के मामले में आपको एक तगड़े ढंग से खड़ा होना है, झेप के नहीं रहना कि यार इस तरह लोग मेरे बारे में सोचते, नहीं, ये सोचना है कि मैं ठीक हूँ, अपनी जगह पे मैं सुदृढ़ हूँ, और मेरे को जो है मेरी जीवन है और मुझे अपने ढंग से अपने जीवन को चलाना है। जहाँ सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है वहाँ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करिएगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं, और जहाँ जो है आप सही हो आप अपने ढंग से अड़े रहिएगा और अपने काम को निरंतर कर लीजिएगा। इसके लिए मैं जो है बहुत सुंदर उपाय भी आपको दूंगा मंगलवार का। बृहस्पति आपके बहुत अच्छा है, आने वाले समय में जब अन्य ग्रह ठीक रहेंगे तो जहाँ पारिवारिक सुख मिलेगा वहीं सांसारिक सुख भी आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। हाँ, थोड़ा यहाँ पे शनि बकरी हो रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है। एक तो शनि अगर इस तरह से होते हैं तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है, और कई बार ऐसे में व्यक्ति दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ भी होगा तो भी खुशियों में कमी आनी बैठ जाती है, खुशियों को व्यक्ति को देता ही नहीं है। अगर छोटी सी छोटी खुशी भी आ जाए तो भी ये उसका हरण कर लेता है, व्यक्ति को मायूसी की तरफ धकेलता है। नौकरी का मामला हो तो नौकरी के मामले में ग्रोथ नहीं देता है, कोई ना कोई अड़चने, मानसिक तनाव ये बनाए रखता है, बुरे बुरे ख्यालात देता रहता है और व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है, हमेशा गलत निर्णय व्यक्ति के हो जाते हैं और व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा दुर्भर हो जाता है और व्यक्ति जो है दूसरे के तले जो है दबना शुरू कर लेता है। इस प्रकार की सिचुएशन ये देता है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य आपका जो है यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ चिन्ह भी बन रहे हैं लेकिन वो पावरफुल नहीं है। ये आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय दिला रही है न पूरा क्रेडिट ही दिला रही है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप जो है अगर हम कहें तो नौकरी कर रहे हो, वो चीज़ें निखर कर नहीं आ रही है, वो विस्तार नहीं हो पा रहा। एक कुल मिला के बात करें जीवन के किसी भी आयाम में आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको यश की प्राप्ति चाहिए, आपको धन की प्राप्ति चाहिए, आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति चाहिए तो आपको सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बुध पे अगर देखें तो बहुत अच्छी रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है, व्यक्ति के अंदर सेवा भाव होता है, व्यक्ति की जो अगर हम व्यापार के गुण देखें वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये बैठा हुआ हो तो व्यक्ति की वाणी की शक्ति जो है खासकर अपनों के मामले में वो आकर्षित करने वाली नहीं होती है। व्यक्तित्व तो जो है कहीं ना कहीं जो है ये नीचे मध्यम स्थिति में रखता है, तो इसके लिए भी मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। बाकी हमने सारी हथेली का विश्लेषण कर ही लिया है। देखिएगा, अगर खास रूप पे देखें तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में दे रहा है।
अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस तरह की सिचुएशन है तो जीवन जीना बहुत दुर्भर हो जाता है। तो इसलिए जो है ध्यान क्रिया, योग क्रिया और ज्योतिषीय उपाय, इसमें मंत्र भी होते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। इसमें अंगूठी भी पहनी जाती है, वो पहनना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एक ही साथ में रूटीन के हिसाब से आपको उपाय दूंगा जो आप सरलतम ढंग से कर भी सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल भी सकते हैं। देखिएगा, अगर आप लोगों को भी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो है, जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं अपना जो है नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें उस नंबर पे फ़ोन करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं निश्चित तौर पे जो है आपसे बात करूँगा, आपके व्हाट्सअप का जवाब दूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।